अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जेरी योल्समैन फोटोग्राफी की दुनिया में एक इंतहाई मशहूर नाम है। जेरी के काम को ग्लोबली बहुत सराहा गया है। इनको फोटोग्राफी के चंद पाइनियर्स में शुमार किया जाता है। जेरी एक ज़माने में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोफेसर भी थे, क्योंकि ये दुनिया की उन चंद यूनिवर्सिटियों में से एक है जो बाकायदा फोटोग्राफी पे कोर्सेज कराती थी। जेरी ने एक दफ़ा एक सेमेस्टर के स्टार्ट पे अपने तमाम स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को उन्होंने क्वांटिटी ग्रुप का नाम दिया। इस ग्रुप का असाइनमेंट था मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफ सेमेस्टर के एंड पे जेरी को सबमिट करना। 100 फोटोग्राफ्स जो भी स्टूडेंट सबमिट कराता उसका मतलब था ए ग्रेड, 90 फोटोग्राफ्स का मतलब था बी, 80 फोटोग्राफ सी एंड सो ऑन। दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। इस ग्रुप का असाइनमेंट था सेमेस्टर के एंड पे जेरी को सिर्फ एक फोटोग्राफ सबमिट कराना, वो उनकी बेहतरीन फोटोग्राफ होनी चाहिए। सेमेस्टर के एंड पे जब रिजल्ट्स कंपाइल किए गए तो आपके ख्याल में सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटी फोटोग्राफ्स वो कौन से ग्रुप से आई होंगी, ग्रुप ए या ग्रुप बी से? बहुत से लोग इसका जवाब देते हैं ग्रुप बी, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको एक ही फोटोग्राफ खींचनी थी और वो बेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। जेरी ने जब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को कंपाइल किया तो वो ये देख के खुद भी हैरान रह गए कि सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटी फोटोग्राफ्स वो एक्चुअली आई थी फ्रॉम द क्वांटिटी ग्रुप, नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ग्रुप। जेरी ने कंक्लूड ये किया कि जब क्वालिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स बिजी थे आइडियल सिनेरियो, आइडियल लाइटिंग, आइडियल टाइमिंग के, उस वक्त क्वांटिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स धड़ाधड़ फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। एज अ रिजल्ट उनकी स्किल्स में इजाफा हो रहा था। चुनाचे सेमेस्टर के एंड तक वो अपनी स्किल्स को इस कदर मास्टर कर चुके थे कि वो सम ऑफ द बेस्ट क्लिक्स करने के काबिल हो चुके। जबकि क्वालिटी ग्रुप बॉकडाउन हो चुका था आइडियल सिनेरियो, आइडियल सिचुएशन, आइडियल टाइमिंग, आइडियल कैमरा एंगल को लेकर। दोस्तों, जिंदगी में मैं और आप भी बहुत सी चीज़ों में इसी किस्म का एटीट्यूड रखते हैं। हम बहुत से कामों को करने के लिए किसी आइडियल सिचुएशन, आइडियल टाइमिंग, परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट सिनेरियो, परफेक्ट एनवायरनमेंट का वेट कर रहे हो, और इस चक्कर में हम एनालिसिस पैरालिसिस का इतना शिकार हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात वो काम कर ही नहीं पाते। रिमेंबर, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, क्वालिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। जब आप कोई काम करेंगे तो आपकी स्किल इंप्रूव होगी, नतीजे में आप उस काम को बेहतर तौर पे कर पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर आइडियल सिनेरियो, आइडियल सिचुएशन एंड कमिंग अप विद द आइडियल वर्क, स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू डू। एज यू प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, आपकी स्किल इंप्रूव होगी और प्रिटी सून आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी बेइंतहा बेहतर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।